नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है मीरा अंसारी जी झारखंड से, और हम देखना चाहेंगे कि कान में क्या तकलीफ है। साथीगण आप भी आ जाएं, आप देख लें। TM retraction with doubtful मीरा जी, आपको मुख्य रूप से तकलीफ क्या है? सर, सुनने में मतलब बहुत दिक्कत है। सुनने में दिक्कत है? आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ था? जी, एक बार एक ऑपरेशन हुआ। कौन से कान का? लेफ्ट ईयर का हुआ था। लेफ्ट ईयर का। ठीक है। ऑपरेशन के बाद में सुनाई में कुछ फायदा मिला आपको? नहीं, नहीं मिल पाया। तो हम देख सकते हैं मीरा अंसारी जी रांची से हैं। इनका पूर्व में एक ऑपरेशन हो चुका है। सुनने के मुख्य रूप से तकलीफ है, दोनों कानों से सुनाई में गंभीर गिरावट है। अब विभिन्न जांचों द्वारा देखा जाएगा, टीम द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और उनके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं अशोक बेस्ट में वो किया जाएगा। थैंक यू फॉर कीपिंग ट्रस्ट। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है मीरा अंसारी जी रांची झारखंड से। अंसारी जी, अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम मिराज अंसारी है जी। मैं रांची झारखंड से हूँ जी। और कान का प्रॉब्लम बचपन से ही मतलब बहता था जी। और कान में कैसा सुनाई देता है? सर, पहले बहता था तो उस टाइम इफेक्ट नहीं पड़ा था सुनने का कमी में जी जी जी। और मैट्रिक एग्जाम देने के बाद में मतलब सिटी चला गया पढ़ाई के लिए जी। तभी से मतलब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे मतलब डिस्चार्ज होने लगा जी, लेफ्ट कान से जी। जैसे ही मतलब मौसम ठंड मौसम आता था उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम होता था जी। और ऐसे ही मतलब हर एक साल ठंड मौसम या कभी भी मौसम चेंज होता था तो खुजली या नमी टाइप से, और फिर मवाद भी निकलने लगता था जी। लेफ्ट ईयर का आपका गत वर्ष पिछले साल ऑपरेशन हुआ? सर, लेफ्ट का फिलहाल ही मतलब 2022-17 नवंबर को हुआ था जी। ये कहाँ, रांची हुआ ऑपरेशन? रांची में ही हुआ था। अच्छा, उस कान में सुनाई में कोई लाभ हुआ? जी सर, ऑपरेशन के बाद 1 से 2 दिन मतलब अच्छा सुनाई दिया जी, उसके बाद अपने आप बंद हो गया जी। अब हम आपके सीधे कान राइट ईयर की सर्जरी का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं सुनने की जाँच में हम देख पा रहे हैं राइट ईयर में सीवियर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है और मोस्ट लाइकली ऑटोस्क्लेरोसिस की संभावना है। तो इसके लिए समुचित उपाय सर्जरी की जाएगी और हम ऑपरेशन के दौरान आपसे बात करेंगे। ठीक है जी। ओके, ऑल द बेस्ट। हम देख सकते हैं मीरा जी के कान से निकाले गए ऑसिकल, मिडल ईयर ऑसिकल, मध्यकंठ की अस्थि हिनकस जो ऑटोस्क्लेरोसिस बीमारी से प्रभावित थी, ग्रसित थी, इसे निकाल दिया गया है। हाई रेजोल्यूशन हम देख पा रहे हैं। स्टेपीज फुट प्लेट पे भी ऑटोस्क्लेरोसिस बीमारी का प्रभाव था, जिसे फ्री कर लिया गया और इसे रिप्लेस किया जाएगा सिलिकॉन प्रोस्थेसिस फोर्क से, पार्शियल ऑसिकुलर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोस्थेसिस। सो हम देख सकते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए हम फोर्क प्लेसमेंट कर रहे हैं। फोर्क का प्लेसमेंट बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है। और फोर्क के प्लेसमेंट के बाद में कार्टिलेज को रखा जा रहा है, जेल फोम से सपोर्ट किया जाएगा। एंड दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज ओवर
कौन? मीराज जी, मीराज जी, आपके कान की सर्जरी हो गई है और अब हम देखते हैं कान के आंतरिक हिस्से पे बीटाडीन युक्त ड्रेसिंग रखी गई है जो हमें नीले या काले रंग की ड्रेसिंग के रूप में दिखाई दे रही है। एक बार कान का पिछला हिस्सा भी दिखा दीजिए, क्योंकि ये सर्जरी ट्रांस कैनल कान के प्राकृतिक छिद्र के द्वारा हुई है, इसलिए बाह्य रूप से कोई चीरा कटा का निशान नहीं है। और अब हम अभ्यर्थी जी से बात करना चाहेंगे, उनसे संतुष्टि अभिवादन लेना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें जो है सुनाई नगण्य थी और बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे थे। अंसारी जी, जी सर, कैसे हैं? ठीक है सर। सबसे पहले ये बताइए कि आपको ऑपरेशन के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं रही? नो सर। कोई दर्द तकलीफ तो नहीं रही? जी नहीं। ठीक है, अब आपकी सुनाई इस कान से कैसी है? सर राइट वाला जी, मतलब पहले से परफेक्ट है सर। पहले से परफेक्ट है? जी सर। जैसे ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन से पहले अगर 0 से 100 के बीच में इसको नंबर देना था, ठीक है, कल तक या आज इस ऑपरेशन से पहले, तो पहले कितनी थी सुनाई और अब कितनी है सुनाई, नंबर दीजिए। पहले लगभग 20-25 लगता था जी, अभी लगभग 75-80। 75-80 जी सर। पक्का? पक्का किसी दबाव में आकर ये मत समझिए कि वीडियो बन रहा है तो मुझे अच्छा बोलना है, ज्यादा नंबर देने हैं, आप कम भी दे सकते हैं, जो एक्चुअल है वो बताइए। नहीं सर, इतने परफेक्ट है। परफेक्ट है जी सर। तो आप संतुष्ट हैं? जी सर। संतुष्ट हैं? आपको, आप सेटिस्फाइड हैं? जी सर। आप जिस खोज में जयपुर अशोक बेस्ट आए थे, क्या वो पूरा हुआ? जी सर, समझ में नहीं है। समझ में नहीं आया, मतलब जिस काम के लिए आप आए थे वो काम पूरा हो गया, सफल हो गया? जी सर। है जी। ठीक है, तो अब आप आंतरिक रूप से खुश हैं कि बाह्य रूप से भी खुश हैं? सर बहुत खुश है अंदर से। तो आप खुशी वाला चेहरा दिखाई नहीं दे रहा हमें, इसलिए गुड गुड। ठीक है, अभी आपके परिजनों से, आपके भाई और आपके भाभी जी साथ में आए, उनसे मिलवाएंगे, ठीक है, आपके पिताजी से भी बात करवाएंगे, और आपके जो दूसरे कान की जो तकलीफ है उसके लिए भी आपका प्लान करेंगे 1 महीने बाद में, ठीक है। ऑटोस्क्लेरोसिस में दोनों कानों का संभवतः कर सकते हैं, पर हम प्रेफर करते हैं कुछ गैप के अंतराल पे किया जाए, तो ये अब अगले कान का ऑपरेशन 1 महीने बाद करेंगे, ठीक है जी। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर।